शासन और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए कालोनी नगर के कालोनी नाइजर ने मार्ग अधिकार की सुरक्षित जमीन पर फिर गार्डन का निर्माण कर लिया है। इस मामले में नगर पालिका इंजीनियर की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंकना और इंजीनियरों को बेवकूफ बनाना किसे कहते हैं, यह कालोनाइजर मनीष कालोनी और आशीष कालोनी से सीखा जा सकता है। कालोनाइजर मनीष कालोनी और आशीष कालोनी ने कालोनी नगर तो बनाया लेकिन मार्ग अधिकार के लिए सुरक्षित रोड को दबा लिया और उस पर बाउंड्री वॉल बना दी। बाद में इसकी शिकायत हुई तो बाउंड्री वॉल तोड़कर उस पर गार्डन बनाया जा रहा है। मार्ग अधिकार के लिए सुरक्षित जमीन अब भी कालोनाइजर ने दबा रखी है। इस मामले में नगर पालिका के इंजीनियरों ने जहां चुप्पी साध ली, वहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पुनः नगर पालिका अधिकारियों को आदेशित किया है कि वे मार्ग अधिकार के लिए सुरक्षित जमीन को मुक्त कराएं। कालोनाइजर मनीष कालोनी ने कालोनी नगर बनाते समय जहां कालोनी के दोनों तरफ मार्ग अधिकार के लिए सुरक्षित जमीन को दबा लिया, वहीं सरकारी जमीन पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 5 अक्टूबर 2020 को पत्र लिखकर कहा था कि कालोनी नगर के कालोनाइजर ने महावीर नगर के मध्य 15.85 वर्ग मीटर की भूमि दबा ली है। वहीं इसी तरह रेलवे क्रॉसिंग से ईदगाह मार्ग पर 24.0 मीटर जमीन दबा रखी है। कालोनाइजर के दोनों तरफ यह भूमि मार्ग अधिकार के लिए सुरक्षित रखना थी लेकिन नहीं रखी गई। इस पूरे मामले में जब शिकायत की गई और जांच बैठी तो नगर पालिका के इंजीनियर रवीश कादरी और आयज खान ने जांच की लेकिन उनकी भूमिका भी अब संदिग्ध बताई जा रही है। दोनों इंजीनियरों ने इस मामले में लीपापोती कर दी है और कालोनाइजर को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में हालांकि नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने सीएमओ सीपी राय को जांच के आदेश दिए हैं। कालोनाइजर ने कॉलोनी बनाते समय जहां मार्ग अधिकार के लिए सुरक्षित जमीन दबाई, वहीं निम्न वर्ग के लिए आरक्षित भूखंडों को भी बेच दिया। निम्न वर्ग के आरक्षित भूखंड भी नियम अनुसार नहीं दिए गए। यही नहीं, नगर पालिका की सरकारी जमीन पर सीवर लाइन डालकर पूरी सरकारी लाइन को खोद डाला। कालोनाइजर मनीष कालोनी और आशीष कालोनी द्वारा नगर पालिका नोटिस जारी करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं नगर पालिका के इंजीनियरों के साथ मिलकर कालोनाइजर शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहा है।